हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था द आइडियल ऑफ फ्रीडम। अब हम जो अपना अगला टॉपिक चूज कर रहे हैं वो है व्हाट इज फ्रीडम, आजादी क्या है। अ सिंपल आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट इज फ्रीडम इज द एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। एक साधारण सा आंसर एक सवाल के लिए कि आजादी क्या है, मतलब हुआ कि जो पाबंदी है उसका ना होना। हमारे ऊपर अगर कोई पाबंदी ना हो तो हम आजाद हैं। फ्रीडम इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स ऑन द इंडिविजुअल आर एब्सेंट। फ्रीडम वही होता है जब बाहरी तौर पे कोई पाबंदी किसी इंडिविजुअल के ऊपर ना लगाई हो या वहां पर ना हो। इन टर्म्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द एन इंडिविजुअल कुड बी कंसिडर्ड फ्री इफ ही और शी इज नॉट सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल कंट्रोल्स और कोएर्शन एंड इज एबल टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस एंड एक्ट इन एन ऑटोनॉमस वे। अगर हम डेफिनेशन की बात करें फ्रीडम की, तो इंडिविजुअल जो है तभी आजाद माना जाता है, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, अगर बाहरी तौर पर उस पर कोई कंट्रोल ना हो या वो आसानी से अपने खुद डिसीशंस ले पाए और अपनी मर्जी से जो है जैसा करना चाहे उसे करने की आजादी। हाउएवर एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स इज ओनली वन डायमेंशन ऑफ फ्रीडम। ये कंस्ट्रेंट्स यानी जो लिमिटेशंस है इनका ना होना सिर्फ एक पहलू है फ्रीडम का। फ्रीडम इज ऑल्सो अबाउट एक्सपेंडिंग द एबिलिटी ऑफ पीपल to freely express themselves and develop their potential. अब फ्रीडम का एक मतलब और भी है कि जो लोगों की एक काबिलियत है, एक क्षमता है कि वो फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए और अपने पोटेंशियल को डेवलप कर पाए। फ्रीडम इन दिस सेंस इज द कंडीशन इन विच पीपल कैन डेवलप देयर क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटी। तो फ्रीडम अगर इस तरह से देखा जाए तो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लोग अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी जो क्षमता है उसको जो है डेवलप कर सकते हैं। Both these aspects of freedom, the absence of external constraints, as well as the existence of conditions in which people can develop their talents, are important. तो दोनों ही पहलू जो आजादी के हैं, एक वो कि बाहरी तौर पर आपके ऊपर कोई लिमिटेशन ना हो, कोई रोक टोक ना हो, साथ ही साथ ऐसी conditions का होना जिसमें लोग अपने talents को develop कर पाएं, दोनों ही बहुत जरूरी। A free society would be one which enables all its members to develop their potential with the minimum of social constraints. एक सही मायने में आजाद समाज वो है जहाँ पर उसके सारे मेंबर्स जो हैं उनको इतने मौके हैं, उनको ये अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने पोटेंशियल को डेवलप कर पाए बहुत ही कम सामाजिक जो बंदियां होती हैं उनके अंडर, यानी कि आपके जिस समाज में रह रहे हैं अगर उसमें आपके ऊपर बहुत कम लिमिटेशंस लगाई जाए तो हो सकता है आपके समाज के जो मेंबर्स हैं वो अपने पोटेंशियल को ज्यादा बेहतर तरीके से डेवलप कर पाएंगे। No individual living in society can hope to enjoy total absence of any kind of constraints or restrictions. कोई भी individual अगर एक समाज में रहता है तो वो इस चीज को ना सोचे कि उसको पूरी तरीके से आजादी मिल जाएगी, कि कोई भी किसी भी तरीके की पाबंदी या जो limitations है restrictions है उसके ऊपर नहीं लगाए जाएंगे। It becomes necessary then to determine which social constraints are justified and which are not, which are acceptable and which should be removed. अब ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो सामाजिक बंधियां लगाई जाती हैं या बंधन लगाए जाते हैं वो सही हैं, कौन से हैं जो सही नहीं हैं, कौन से हैं जिनको एक्सेप्ट करना चाहिए और कौन से ऐसे बंदिश हैं जिनको हटा देना चाहिए। टू अंडरस्टैंड विच सोशल कंस्ट्रेंट्स आर नेसेसरी डिस्कशंस ऑन फ्रीडम नीड टू लुक एट द कोर रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी और ग्रुप कम्युनिटी और स्टेट विद इन विच शी और ही इज प्लेस्ड। अब इस चीज को समझने के लिए कि कौन सा सामाजिक जो बंधन है वो जरूरी है, उसके लिए जो फ्रीडम पर डिस्कशंस होते हैं उसमें ये देखना होगा कि जो इंडिविजुअल है या जो समाज है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, क्योंकि वो जिस समाज में रहता है उसके अकॉर्डिंग उस पर वहां पर किस तरह की बंदिशें लगाई गई है। दैट इज वी नीड टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। हमें ये देखना होगा कि इंडिविजुअल का और सोसाइटी का रिलेशनशिप कैसा है। वी नीड टू सी विच फीचर्स ऑफ द सोसाइटी अलाउ द इंडिविजुअल द फ्रीडम टू चूज डिसाइड और एक्ट एंड विच डू नॉट। हमें ये देखना पड़ेगा कौन से ऐसे फीचर्स हैं सोसाइटी के जो अलाउ करते हैं इंडिविजुअल को कि तुम अपनी मर्जी से चुन सको, डिसाइड कर सको, एक्ट कर सको, या कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो अलाउ नहीं करते। We would need to determine which features are desirable and which features are not, which should be removed and which should not. हमें ये देखना होगा कि कौन से features हैं जो जरूरी हैं, कौन से नहीं हैं, कौन को हटा देना चाहिए,
कौन से फीचर्स को रखना चाहिए। फर्दर वी नीड टू सी इफ प्रिंसिपल्स व्हिच वी यूज टू डिफरेंशिएट नेसेसरी फ्रॉम अननेसेसरी कंस्ट्रेंट्स आल्सो अप्लाई टू द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एंड नेशंस। साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि वो सिद्धांत जिनको हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए नेसेसरी और अननेसेसरी कंस्ट्रेंट के बीच में, वो भी अप्लाई होते हैं रिलेशनशिप में बिटवीन इंडिविजुअल ग्रुप और नेशन की। दस फार वी हैव डिफाइंड फ्रीडम एज द एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। अब तक हमने ये माना कि जो आजादी है उसका मतलब बंदिशों से मुक्ति, कोई बंदिश ना होना। टू बी फ्री मींस टू रिड्यूस और मिनिमाइज सोशल कंस्ट्रेंट्स दैट लिमिट अवर एबिलिटी टू मेक चॉइसेस फ्रीली। आजाद होने का मतलब है सामाजिक जो बंधन है उनका कम होना या बहुत हद तक ना होना, जो हमारी एबिलिटी को रोकते हैं कि हम अपनी चॉइसेस फ्रीली कर पाए। हाउएवर दिस इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम, ये सिर्फ एक पहलू है आजादी का। टू पुट इट इन अनदर वे, फ्रीडम आल्सो हैज पॉजिटिव डायमेंशन। अब अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो जो आजादी है उसको हम पॉजिटिव वे में भी बता सकते हैं। टू बी फ्री अ फ्री अ सोसाइटी must widen the area in which individuals, groups, communities or nations will be able to charter their own destiny and be what they wish to be. अब free होने का मतलब क्या हुआ कि society जो है, अगर हम society को free कर दें तो मतलब क्या हुआ, हम एक ऐसा उनको मौका दे रहे हैं, एक ऐसा उनका area बढ़ा रहे हैं जिसमें चाहे individual हो, group हो, communities हो, nations हो, ये अपनी किस्मत को खुद लिख पाएंगे और वो कर पाएंगे जो ये करना चाहते हैं। फ्रीडम इन दिस सेंस अलाउज द फुल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स क्रिएटिविटी सेंसिबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज, बी इट इन स्पोर्ट्स, साइंस, आर्ट, म्यूजिक और एक्सप्लोरेशन। फ्रीडम का मतलब क्या हो गया, पूरी तरीके से डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी का, उसकी सेंसिबिलिटी का, उसकी कैपेबिलिटी का। अब चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, साइंस में हो, आर्ट में, म्यूजिक में, या फिर किसी चीज को एडवेंचरस हो, एक्सप्लोर करने वाले हो। अ फ्री सोसाइटी इज वन दैट एनेबल वंस टू परस्यू वंस इंटरेस्ट विद मिनिमम ऑफ कंस्ट्रेंट। एक सही मायने में आजाद समाज जो है वो है जो एनेबल करे किस इंडिविजुअल को कि वो अपने खुद के इंटरेस्ट जो है उनको आगे बढ़ा सके, पूरा कर सके बहुत ही कम पाबंदियों के साथ। Freedom is considered valuable because it allows us to make choices and to exercise our judgment. जो freedom है उसको इतना हम importance क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसी की वजह से हम अपनी खुद की choice कर पाते हैं और खुद की चीजों को हम जो है judge कर पाते हैं। It permits the exercise of individual's power of reason and judgment. इससे क्या होता है, individual की जो अपनी एक खुद की capability है चीजों को उसका कारण जानना या क्यों उसने सही किया या गलत, उस चीजों को वो पूरी तरह से परमिशन मिलती है आजादी होने की वजह से। अब है टॉपिक सोर्सेज ऑफ कंस्ट्रेंट्स। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स मे कम फ्रॉम डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल कंट्रोल्स। जो इंडिविजुअल की आजादी होती है उसके ऊपर जो पाबंदी लगाई जाती है वो या तो उसको उसके ऊपर कोई ज्यादा ताकतवर आ जाए या बाहरी तौर पर उसको किसी चीज की वजह से रोका जाए। Such restrictions may be imposed by force or they may be imposed by the government through laws which embody the power of the rulers over the people and which may have the backing of force. इस तरह के restrictions जो है वो जबरदस्ती लगाई जाती हैं या फिर ये government द्वारा लगाए जाते हैं कानून के अंतर्गत, जिसके पास वो ताकत होती है कि वो जो है लोगों के ऊपर राज कर सके, अपनी ताकत दिखा सके और उनके पीछे जो है एक फोर्स होती है जो उनकी मदद करती है। This was the form of constraint represented by the colonial rulers over their subjects or by the system of apartheid in South Africa. ये जो restriction था, ये हमें कहाँ से देखने को मिलता है? जैसे colonial rulers थे, वो यही करते थे अपनी प्रजा के ऊपर जो उनकी आम जनता थी उसके साथ, या जो apartheid system लाया गया था South Africa में उसके ऊपर। Some form of government may be inevitable, but if the government is a democratic one, the members of the state could retain some control over their rulers. कुछ ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म्स होती हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, तो जो मेंबर्स हैं स्टेट के उनके पास एटलीस्ट कुछ अधिकार होता है अपने रूलर्स के ऊपर।
That is why a democratic government is considered to be an important means of protecting the freedom of the people. इसी वजह से जो democratic government है ये ज्यादा important मानी जाती है, जो लोगों की आजादी है अगर वो अपने आप को आजादी को सुरक्षित चाहते हैं तो उसके लिए democratic government का होना बहुत जरूरी है. But constraints on freedom can also result from social inequality of the kind implicit in the caste system, or which results from extreme economic inequality in a society. लेकिन ये जो restrictions हैं freedom पे, ये कहाँ से भी निकल सकते हैं? Social inequality से भी हो सकते हैं, जिस तरीके क्या होता है caste system के अंदर, या फिर extreme economic inequality हो अगर society के अंदर, तब भी constraints होते हैं freedom के ऊपर. The quotation from Subhash Chandra Bose on freedom draws attention to the need for the country to work to remove such constraints. सुभाष चंद्र बोस का जो फ्रीडम के ऊपर एक कोटेशन है उसमें उन्होंने यही ध्यान केंद्रित किया है कि जरूरत है कंट्री को कि वो वर्क करे और इस तरह के जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको रिमूव करे. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाई डू वी नीड कंस्ट्रेंट्स. ये हम करेंगे अपने अगले वीडियो में.